अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स. बच्चे, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपकी आज क्लास नहीं हो पाई. ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनकी वजह से आज आपकी क्लास नहीं हो पाई. सो मैं बार बार कनेक्ट और रीजॉइन कर रही थी, बट नहीं हो पाई आपकी क्लास. एक जो मैटर है जल्दी ही सॉल्व आउट हो जाएगा. आपके जो बाकी के क्लासेस हैं उनमें भी ऐसा ही हुआ होगा, आई होप. सो ये मैटर आपका जल्दी ही सॉल्व कर दिया जाएगा, डोंट यू वरी. तब तक और आपकी इसी तरह आपको ना यूट्यूब लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे. सो आई विश कि नेक्स्ट क्लास तक जो हमारी थर्सडे को होगी तब तक ये मैटर सॉल्व कर दिया जाए, या फिर हो सकता है हम आपको बता देंगे, नोटिफिकेशन आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा कि किस तरह से क्लास लेनी है. ओके, सो यू डोंट वरी, क्लास हुई तो इट्स ओके, नहीं तो आपको यूट्यूब लेक्चर पर अपलोड कर दिया जाएगा. ओके, सो लास्ट टाइम हमने जो हमारी कल क्लास थी, हमने कैस्टर सीड के बारे में पढ़ा था, है ना. डाइकोटिलेडनस सीड्स कैस्टर सीड के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम मेज ग्रेन पढ़ेंगे जो कि मोनोकोटिलेडनस एंडोस्पर्मिक सीड है. इससे पहले हमने डाइकोटिलेडनस एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स पढ़े थे. आज हम मोनोकोटिलेडनस एंडोस्पर्मिक सीड पढ़ेंगे. उसमें आपके मेज ग्रेन की एग्जांपल आती है. ये सिंगल सीड फ्रूट है एक्चुअली, जिसे हम कैरियोप्सिस भी कहते हैं. ओके, ये जो ग्रेन है मेज ग्रेन है ना, मेज प्लांट का, जिसका बोटानिकल नेम है जिया मेज, जिसे आप मेज भी कहते हैं, कॉर्न भी कहते हैं. ये फ्लैट है और कॉनिकल शेप में है. इसकी आउटलाइन जो है वो कॉनिकल है और वाइटिश टू रेडिश वॉयलेट इसका कलर होता है. जो इसका प्रॉक्सिमल नैरो एंड है वो स्मॉल लूज हस्क की तरह है, ठीक है. और जिसका डिस्टल ब्रॉडर राउंडेड एंड है, वहाँ पे कॉनिकल पैपिले होते हैं, जिन्हें कॉनिकल पैपिले हैं उसकी फ्लैट सरफेस पे. इट रिप्रेजेंट्स रिमेन्स ऑफ स्टाइल. जो वो पैपिले हैं फ्लैट सरफेस पे, वो आपके स्टाइल का जो रिमेन है ना उसको दर्शाते हैं, ठीक है. बेसिकली आपका जो पूरा मेज की जो छल्ली होती है, इसे आप मतलब एक तरह से ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है. ये मेज का ईयर, ईयर ऑफ मेज. और जो इसका एक एक ग्रेन है ना, इसी को, यही मेज का सीड है, यही मेज का ग्रेन है. सो हाइलम और जो माइक्रोपाइलम वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ग्रेन जो है वो आपका फ्रूट टाइप है, ठीक है. सो डेल्टॉइड लाइट कलर डिप्रेशन अकर्स ऑन द फ्लैट सरफेस. और जो डेल्टॉइड लाइट डिप्रेशन है वो आपको क्या बताता है, वो आपको इंडिकेट करता है एम्ब्रियो की जो पोजीशन है ना उसको दर्शाएगा. और जो आउटर हार्ड कवरिंग है ग्रेन की, वो एंडोस्पर्म से एक एंडोस्पर्म है वहाँ पे, ठीक है. और जो 1/3 एरिया है ग्रेन का, अपर और जो उसकी पॉइंटेड साइड्स हैं, वहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो है. अपर साइड और पॉइंटेड साइड जो है वो एम्ब्रियो है. और जो आउटर हार्ड कवरिंग है वो आपकी क्या है, एंडोस्पर्म है. जो एंडोस्पर्म के पास एक प्रोटीन रिच लेयर है, जिसको आउटर लेयर है, जिसे आप एलिरोन लेयर भी कहते हैं. और जो जितना भी स्टार्च है ना, थिक रिच पार्ट है, जब हम खाते हैं एक एक कॉर्न के एक तरह से ग्रेन को, तो हमें कितना ऐसे स्टार्च ही सब प्रोड्यूस होता है, वो जो थिक पार्ट है उसको आप कहेंगे स्टोरेज रीजन. वो आपका स्टोरेज रीजन है. मतलब एंडोस्पर्म जो है आपका, वो आपका एलिरोन लेयर से कवर्ड है, ठीक है. उसके पास थिक रिच प्रोटीन लेयर है, एलिरोन लेयर. और जो रिमेनिंग आपका पार्ट है, स्टार्च रिच पार्ट है, वो आपका स्टोरेज रीजन है. एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो एक्सिस है उसमें. और एक लार्ज सेंट्रल सिंगल कॉटिलेडन है, क्योंकि ये मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि सिंगल कॉटिलेडन होगा और उसका नाम स्क्यूटालम होगा. ये हमने पीछे भी पढ़ा है. और जो एम्ब्रियो एक्सिस है उसका जो एंड है वो ब्रॉडर वाली साइड होगा, वहाँ से आपका प्लीम्यूल निकलेगा. एम्ब्रियो एक्सिस का जो ब्रॉडर साइड है वहाँ से आपका प्लीम्यूल निकलेगा. कुछ रूडिमेंट्री मतलब मींस कि जस्ट रिमेन्स, थोड़े थोड़े लीव्स वहाँ पे हो सकते हैं. और जो आपका एंड है एम्ब्रियो एक्सिस का, जो पॉइंटिंग एंड के टूवर्ड्स है, वो आपका रेडिकल होगा, जो कि रूट सिस्टम बनाएगा और वहाँ पे रूट कैप भी होगी. स्पेशल कवरिंग कंसीडर्ड टू बी एक्सटेंशंस ऑफ स्क्यूटालम आर प्रेजेंट ओवर प्लीम्यूल एंड रेडिकल रूट कैप. कुछ ऐसे स्पेशल कवरिंग्स हो सकती है जो स्क्यूटालम की ही एक्सटेंशंस हो सकती है, मतलब सिंगल कॉटिलेडन की ही एक्सटेंशंस हो सकती है, जो कि आपके प्लीम्यूल और रेडिकल जो रूट कैप से कवर्ड है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा था. उनको हम क्या कहेंगे, कोलियोपटाइल और
कोल यू राइजा रिस्पेक्टिवली। अगर वो प्लीम्यूल में प्रेजेंट होगा तो वो कोल यू बटाइल होगा, अगर वो रूट कैप में प्रेजेंट होगा तो वो रेड कोल यू राइजा होगा। कोल यू बटाइल पर्सिस द ग्रेन कवरिंग, वो ग्रेन कवरिंग को तोड़ता है, ओके, टर्न्स ग्रीन एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल। इसी तरह क्या होता है, वो ग्रीन हो जाएगा और सॉइल से बाहर आ जाएगा। द एपिकोटाइल, एपिकोटाइल यू नो ना, आपके जो कॉटिलिनेडरी आपका जो नोड होता है और जो आपका प्लीम्यूल है उसके बीच में आपका एपिकोटाइल प्रेजेंट होता है, वो जल्दी से ग्रो करना शुरू हो जाएगा और ये एपिकोटाइल ही आपका प्लीम्यूल को सॉइल के ऊपर लेके आता है और प्रोटेक्टेड इनसाइड द कोलियोपटाइल, और कोलियोपटाइल उसको प्रोटेक्ट करता रहता है। कोलियोराइजा इज मेंट फॉर पर्सिंग द ग्रेन कवरिंग टू पेव वे फॉर ग्रोथ ऑफ रेडिकल। वो इसको इसलिए करेगा कि वो रेडिकल की ग्रोथ करे, रूट सिस्टम को बनाए, कुछ स्मॉल रूट्स बनाएगा वो, जिसे आप सेमिनल रूट्स भी कहेंगे, और जो सरफेस होगी स्कूटालम की वो आपकी कंटैक्ट में रहेगी एंडोस्पर्म से, और उसको आप कहेंगे एपिथेलियल लेयर, और वो एपिथेलियल लेयर बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है लाइक जिब्रेलिन्स, ठीक है ना, जिब्रेलिन्स प्रोड्यूस करेगी फॉर मोबिलाइजिंग फूड रिजर्व ऑफ एंडोस्पर्म एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये आपके सीड जर्मिनेशन के टाइम पे वहाँ से मटेरियल लेके आपके सीड को प्रोवाइड करेगी, मोबिलाइजेशन में हेल्प करेगी, मूवमेंट में हेल्प करेगी फूड के, सो ये आपके फूड प्रोवाइड करेगी। सो यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक ये आपके रिमेन्स ऑफ स्टाइल हैं, ये आपका ग्रेन है, एक कॉर्न ग्रेन है, मेज का ग्रेन है, ये पोजीशन है बीच में आपके एम्ब्रियो की, ये फ्यूज्ड पेरिकार्प है जो कि टेस्टा के साथ फ्यूज हो चुकी है, ये आपकी एलिरॉन लेयर है, ठीक है ना, आपको मैंने बताया कि एंडोस्पर्म है उसकी एलिरॉन लेयर है, और ये आपका पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है, ये आपकी बीच में एपिथेलियल लेयर है स्क्यूटालम की, स्क्यूटालम यू नो कॉटिलेडन, जैसे स्क्यूटालम भी है यहाँ पे आपके जो आपका मोनोकॉट्स है वहाँ पे आपके एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये आपकी कोलियोपटाइल है, ये आपका बीच में स्क्यूटालम है, दिस इज़ योर स्क्यूटालम यानी कि आपका कॉटिलेडन, ये आपका कोलियोपटाइल है, ये आपकी एम्ब्रियोनल लीव्स हैं, ये प्लीम्यूल है, ये एम्ब्रियो एक्सिस है बीच में, और ये आपका रेडिकल है, ये रूट कैप है और ये कोलियोराइजा है, मींस रेडिकल जो होगा वो कवर्ड होगा आपके मतलब रूट कैप प्रेजेंट होगी और वो सब किस में कवर होंगी, कोलियोराइजा में कवर्ड होंगी। वैसे यहाँ पे प्लीम्यूल है, ओके, ये एम्ब्रियो एक्सिस है, ये आपका प्लीम्यूल है, ये एम्ब्रियोनल आपकी लीव्स हैं और वो कवर्ड किससे है, कोलियोपटाइल से कवर्ड है। सो यू कैन सी लास्ट अब आपका है अनियन सीड जो कि मोनोकॉटिलेडनस है, ओके, इट इज़ अ मोनोकॉटिलेडनस एंडोस्पर्मिक सीड, सीड इज स्मॉल ब्लैक एंड रिंकल्ड, यस, आप ऑनियन आपको पता ही है, इट इज़ ऑल्सो बल्बस प्लांट है, आप इसको बल्ब सीड बल्ब भी कह सकते हैं, ये स्मॉल है, ब्लैक है और रिंकल्ड है, इसके अराउंड टफ सीड कोट प्रेजेंट है इसकी आउटसाइड में, और इंटरनली देयर इज़ अ टफ सेमी ट्रांसपेरेंट एंडोस्पर्म, एक बहुत ही टफ ट्रांसपेरेंट सा एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, कर्व्ड एंड एम्ब्रियो होगा आपके एंडोस्पर्म के अंदर होगा, एम्ब्रियो के पास बहुत सारा लार्ज कॉटिलेडन है जिसे आप स्क्यूटालम भी कह सकते हैं, जो कि एम्ब्रियो एक्सिस से डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है ना, एम्ब्रियो एक्सिस है वहाँ पे, एक नॉच प्रेजेंट है और आपका कॉटिलेडन और एम्ब्रियो जो हैं वो आपस में डिफ्रेंशिएट हैं। सो जो रेडिकल्स है वो दूसरी साइड लाई करती है जहाँ पे हाइपोकोटाइल भी प्रेजेंट है, और जो प्लीम्यूल है वो हाउएवर वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएबल नहीं है, और इंस्टेड उसके शूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट है जो कि बहुत क्लोज है नॉच के जहाँ पे कॉटिलेडन ग्रो करता है आपका, और प्लीम्यूल वहाँ पे बाद में आती है। लाइक सी दिस इज़ योर सीड कोट, ये आपका कॉटिलेडन है कर्व्ड में, ये आपका एंडोस्पर्म है, ये रूट की टिप है, ये हाइपोकोटाइल है आपका, ये रूट एक्सिस है, ये आपका शूट एपिकल मेरिस्टम है, ये ऊपर को मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम ऊपर को प्रोड्यूस होगा और रूट टिप जो है आपकी नीचे की तरफ है। सो यू कैन सी मोनोकॉट और डायकॉट में इन्होंने मतलब फ़र्क बताया है कि क्या है, यू नो इट्स वहाँ पे सिंगल कॉटिलेडन होगा, वहाँ पे टू कॉटिलेडन होंगे, प्लीम्यूल वहाँ पे टर्माइनल होगा, प्लीम्यूल यहाँ पे बाद में आता है मोनोकॉट में, ठीक है ना, प्लीम्यूल जो होगा वो टू कॉटिलेडन्स के बीच में होगा, प्लीम्यूल यहाँ पे जो मोनोकॉट्स हैं वहाँ पे एक साइड में होगा कॉटिलेडन के, अगर हम मेज़ या अनियन सीड की एग्जांपल लेते हैं, सीड में भी एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, ये आपका है डाइकॉट के केस में, बट सीड जनरली ऑलमोस्ट एंडोस्पर्मिक ही होते हैं मोनोकॉट्स में, और मोनोकॉट्स में इन मैनी केसेस रेडिकल एंड प्लीम्यूल आर सराउंडेड बाय स्पेशल कवरिंग्स,
जो रेडिकल और प्लीम्यूल हैं उनके अराउंड स्पेशल कवरिंग्स होंगी, कोलियोराइजा एंड कोलिपटाइल, और यहाँ पे कोई स्पेशल कवरिंग्स नहीं होती। टाइकॉट के केस में प्लीम्यूल और रेडिकल के अराउंड कोई स्पेशल कवरिंग नहीं होगी। ठीक है बच्चे, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ सीड। सीड क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं? एज यू नो, सीड्स आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंड बहुत सारे इनके यूजेस हैं। ये आगे अपनी रेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो हम वन बाय वन पढ़ते हैं कि इन प्लांट्स में क्या है। डिपेंडेबल प्रोसेस, सीड्स फॉर्मेशन इज कनेक्टेड विद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन डेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, इट इज़ देयर फॉर मोर डिपेंडेबल प्रोसेस। सो सीड फॉर्मेशन जो है वो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पे ही निर्भर करती है। इट्स इम्पॉर्टेंट। एवोल्यूशनरी अचीवमेंट, सीड इज़ एन एवोल्यूशनरी अचीवमेंट। यस, जितने भी सीड्स प्लांट्स हैं, कैसे सीडलेस प्लांट्स जो थे हमारे, उनसे कैसे सीड्स प्लांट्स आए और कैसे जिम्नोस्पर्म्स आए, कैसे एंजियोस्पर्म्स आए, सो ये हमें एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ अचीवमेंट भी बताते हैं। ठीक है ना, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो विच इज़ अ मोस्ट डेलिकेट स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। ये एम्ब्रियो की उसको प्रोटेक्शन के लिए, कैसे एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड होता है, कैसे जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, देन उसको कैसे फूड प्रोवाइड होता है, कैसे वो सीड बनता है, एंड देन जर्मिनेशन। सो ये प्लांट्स की लाइफ हिस्ट्री बताते हैं हमें कि कैसे एक प्लांट से, सीडिंग प्लांट्स में एक प्लांट से एक नया प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है। पॉलिनेशन, यस, ये एक अनफेवरेबल सीजन से लेके फेवरेबल सीजन तक अपने आप को इनएक्टिव रखते हैं, डॉर्मेंट रखते हैं, यू नो, हार्ड सीड को इन्हें बचाती है। सो ये दे पास थ्रू दैट टाइम। सो इससे क्या होता है कि उनका एम्ब्रियो डॉर्मेंट हो जाएगा, उनका प्रोटोप्लास्ट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, एंजाइम सारी इनएक्टिव हो जाएंगी, और जैसे ही वो पेरिनेट कर जाएंगे वो अनफेवरेबल सीजन, और जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा सो दे कैन ग्रो। डिस्पर्सल, उनकी एक बहुत ही अडेप्टिव स्ट्रैटेजी है कि वो डिस्पर्सल मूवमेंट शो करते हैं, दे गेट डिस्पर्स। ठीक है ना, एक सीड्स हैं, जब वो सीड्स बन चुके हैं तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे न्यू हैबिटेट्स में, मतलब थ्रू एयर, वाटर, विंड, एनिमल्स, मतलब जैसे एनिमल्स की पाउ के साथ, बॉडी के साथ जो आपके सीड्स हो जाएंगे, जहाँ पे भी वो जाएंगे वहाँ पे वो सीड्स छोड़ देंगे। सो डिस्पर्सल मोड बहुत इनका हाई है, मतलब इनके चांस बहुत बढ़ जाते हैं ना कि जनरेशन हो सकती है, आगे आगे रिप्रोडक्शन हो सकती है, और ये ही आपकी स्पीशीज़ की स्प्रेड करने में हेल्प करता है, न्यू एरियाज़ में कॉलोनाइजेशन में हेल्प करेगा आपकी। फूड रिजर्व, सीड हैज़ सफिशेंट फूड रिजर्व डैट नरिशेज द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो। ठीक है, सीड के पास एक ऐसा सफिशेंट फूड रिजर्व होता है जो आपके जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा, अलो करेगा सीडलिंग को जब तक वो फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, कि हर एक प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, तो तब तक उसको, जब तक वो इतना फोटोसिंथेटिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो सीड को जो उसका फूड रिजर्व है, फिर चाहे वो कॉटिलेडन के में हो या अगर वो मोनोकॉट है तो एंडोस्पर्म की शेप में हो, बट उसको खाना अपना मिलता रहेगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व है तो वेरिएशंस का काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो सीड के पास बहुत सारी वेरिएशंस के चांसेस रह जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है ना, वेरिएशंस जो है वो हेल्पफुल करती हैं कि आप न्यू इन्वायरमेंट को, चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकें, वहाँ पर रह सकें, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर सकें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, परपेचुएशन। सो इसमें क्या है कि सीड्स आर ऑफ ए मल्टीपल हाफ हायर प्लांट्स। ठीक है, सीड्स आर ए मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ हायर प्लांट्स। सीड्स जो हैं एक तरह से मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं हायर प्लांट्स में, क्योंकि बहुत सारे टाइनी सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, वो फर्दर आगे मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। बींग कैपेबल ऑफ पैरिनेशन, पैरिनेशन भी वो कर सकते हैं, उनके पास इतनी होती है कि वो अपनी एंजाइम्स, अपने प्रोटोप्लास्ट, सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को वो डॉर्मेंट स्टेज में ले आते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, टफ सीड कोट उनके आउटसाइड इकट्ठा हो जाती है, जिससे वो अपनी डॉर्मेंट स्टेज को बियर कर सकते हैं, चाहे वो ड्रॉट हो, फेमाइंस हो, कुछ सक्सेसिव ईयर्स के लिए, देन वो अपने आप को ग्रो करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दे प्रोवाइड अ फूड टू ह्यूमन। ठीक है ना, सो ह्यूमन डाइट जो है वो प्लांट फूड पे, फ्रूट्स पे और सीड्स पे डिपेंड करती है। देयर आल्सो अ सोर्स ऑफ ऑयल्स हैं, फाइबर्स हैं, कितने सारे से कैस्टर ऑयल का जो तेल है वो कैस्टर सीड से निकलेगा, सनफ्लावर ऑयल वो सीड से निकलेगा, मस्टर्ड ऑयल तो वो आपके मस्टर्ड सीड से निकलेगा।
कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिनका ऑयल ही हम एज अ सीड यूज़ करते हैं, फाइबर्स हैं, स्पाइसेस के रूप में हम कितने सारे मतलब यूज़ करते हैं, हम लिनसीड सीड, लिनसीड ऑयल, अलसी जिसे हम कहते हैं। सो बहुत सारे ऐसे बेवरेजेस भी हैं लाइक टी एंड कॉफ़ी। सो बहुत फ़ायदा है प्लांट्स इस जो यूनिवर्स में है, इस वर्ल्ड में है ना, इनका बहुत फ़ायदा है, बिकॉज स्पेशली टू वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियंस ऑल्सो, प्लांट्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, सो हर एक इंसान को प्लांट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ये नहीं कि आपको फॉरेस्ट में जाके आप लगाएंगे, अपने घर में थोड़े बहुत पेड़ लगाएं, गार्डन है इट्स ओके। अगर गार्डन नहीं भी है तो एक छोटा सा पॉट ले आएँ, और इवन अगर आप अपने जो प्लास्टिक की बॉटल्स बच जाती हैं जिन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं, प्लास्टिक इज़ अ यू नो सो फैटल टू दिस अर्थ, प्लास्टिक एक बहुत बड़ा अभिशाप है इस धरती के लिए। आप उस प्लास्टिक बॉटल को एक तरह से उसमें मिट्टी भर के, पानी लगा के कोई भी सीड उगा सकते हैं, आगे वो प्लांट बन जाएगा। वॉट आर द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी दें, पौधों को पानी दें, उन्हें उगाएं, हरे हरियाली कितनी अच्छी लगेगी, फ्लावरिंग प्लांट्स लें। सो ये एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है, और विदाउट एनी कॉस्ट एंड विदाउट एनी रीज़न आप प्लांट्स को भी खुशियाँ दे सकते हैं, और इंटर्न वो आपको खुशियाँ देंगे, हरियाली, ऑक्सीजन, हर एक चीज़ देके आपका आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, अच्छी हवा और अच्छा वातावरण आपको मिलेगा। सो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के पर आप सबसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को सुनने के बाद प्लांट्स के लिए प्रोटेक्टिव रहें, प्लांट्स के लिए अवेयर रहें, एंड बी कॉन्शियस अबाउट योर प्लांट्स। सो प्लांट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑन दिस अर्थ, प्लांट्स हैं तो हम हैं, इतना आप समझ लीजिए कि प्लांट्स हैं तो हम हैं। सबसे बड़ी देन तो ऑक्सीजन की ही है, जो वो हम एक सेकेंड के लिए भी ऑक्सीजन छोड़ नहीं सकते। सो प्लांट्स हैव ए ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, इन आवर अर्थ, इन आवर यूनिवर्स। सो वाटर प्लांट्स एंड ग्रो प्लांट्स, नेवर कट देम। सो आप सबको इन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को मनाया जाता है हर साल, इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हम अपना ये आज चैप्टर अपना क्लोज करते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज। और नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी, जिस भी मोड के थ्रू हो, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो आपका यूट्यूब पे हो, तो उसमें हम ना नेक्स्ट शुरू करेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।